दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज जो मैं लेटेस्ट जॉब ओपनिंग आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ ये बहुत बड़ी कंपनी हैवेल्स में है। जी हाँ, हैवेल्स में इस वक्त 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए चल रही है बम्पर हायरिंग। 500 से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस कंपनी में और आज डायरेक्टली मैं यहाँ के जो HR है जो कि आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं उनको ही कॉल करके पूरी जानकारी दूंगी कि कौन कौन से कैंडिडेट के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कब तक ये हायरिंग्स चलेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन सभी चीजों की जानकारी हासिल करेंगे सर के कॉल के ही जरिए। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मेरा नाम राकेश चौहान है और रिको इंडस्ट्रियल एरिया घिलोट निमराना राजस्थान के पास है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया घिलोट वहाँ पे मैं काम करता हूँ। okay. और यहाँ पे मेरे पास 3-4 कंपनियां हैं, हैवेल्स कंपनी है, गैलेक्सी कंपनी है, सनहोम है, मार्केटेक कंपनी है, ये 4-5 कंपनियां हैं जिनका काम मैं देखता हूँ, मैन पावर हायरिंग कराता हूँ। सर जैसे कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे एक मैसेज मिला था कि बहुत सारी हायरिंग्स इस वक्त आपकी द्वारा कंपनियों में चल रही है, तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज आई है सर ये कौन कौन सी कंपनीज में आई है? एक तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है अपने पास, उसमें हायरिंग चल रही है। okay. 300 के समथिंग हायरिंग है अभी। और एक है गैलेक्सी ऑफसेट इंडिया लिमिटेड, उसमें हायरिंग चल रही है, 500 बंदों की हायरिंग उसमें है। अच्छा, हैवेल्स में सर कितनी हायरिंग्स हैं? हैवेल्स में 300 के लगभग हायरिंग है। अच्छा, तो आप रेगुलरली सर हमेशा हायर करते हैं रिको के लिए, राजस्थान के लिए? रेगुलर हायरिंग चलती है अपने पास। अच्छा, तो अभी सर जो हैवेल्स में कंपनी अपॉर्चुनिटी आई है इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है? क्वालिफिकेशन 10th 12th ITI ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ओके, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और काम क्या करना होगा सर? काम हैवेल्स कंपनी है, इसमें बनती है एसी वर्क है, एसी इंडस्ट्री की कंपनी है, एसी असेंबल होती है, तो असेंबलिंग में जो भी लाइन पे जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो भी टेक्निकल काम है, अदर काम है, वो काम डिपार्टमेंट वाइज काम करना पड़ता है। अच्छा, तो फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए सर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए? फ्रेशर कैंडिडेट भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। जिनको एसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उनकी सैलरी ज्यादा हो सकती है, इंटरव्यू डिपेंड ऑन इंटरव्यू, और फ्रेशर कैंडिडेट भी अलाउ है। अच्छा, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है सर, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदे को? 10th 12th ITI डिप्लोमा तक हायरिंग चलती है अपने पास। अच्छा, और सैलरी लगभग सर आप फ्रेशर को कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? फ्रेशर है उसको जैसे कि कंपनी के हिसाब से अलग अलग सैलरी होती है। हैवेल्स में है फ्रेशर कैंडिडेट है, अगर 8वीं 10वीं 12वीं पास है उसकी सैलरी रहेगी हमारे पास 15,000 रूपए PFESI कार्ड के इन हैंड। 15,000 रूपए इन हैंड आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, 15,000 रूपए इन हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो ITI कैंडिडेट हैं उनको 16,000 है, 17,000 है, डिप्लोमा वालों को 18,000 रूपए इन हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यूटी 12 घंटे रहती है, ड्यूटी 12 घंटे, 8 घंटे प्लस में 3.5 घंटे ओवर टाइम चलता है, कंटिन्यू ओवर टाइम चलेगा। हाँ, जो भी बाहर के बंदे आते हैं उनको तो OT जरूरी होता है। अच्छा, तो उसका पैसा अलग से देंगे सर या इसी में रहेगा? इसी में ऐड रहेगा, वो 15,000, 15.5, 16, 17, 18,000 तक फ्रेशर कैंडिडेट को सैलरी मिल सकती है। अच्छा। अच्छी कंपनी है, अगर यहाँ पे काम करते हैं, काम करके एक्सपीरियंस लेते हैं तो इसी इंडस्ट्री में अच्छी सैलरी पे हायर हो सकते हैं कहीं भी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ कुछ खाने पीने की फैसिलिटीज भी है क्या, कैंटीन वगैरह है? जी, कैंटीन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। अच्छा, रहने का खुद से इंतजाम करना होगा बच्चे को? रहने के लिए रूम अवेलेबल करा देंगे, लेकिन रूम रेंट लड़कों को ही देना पड़ेगा। लगभग कितना रेंट होता होगा सर महीने का अगर देखा जाए? रेंट 1,000 से 1,500 रुपए पर बंदे का होता है। अच्छा, कोई फीस, कोई चार्जेस वगैरह सर कोई पे करना है बंदे को? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। डॉक्यूमेंट्स होता है, आधार कार्ड, मार्कशीट, बैंक अकाउंट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, ठीक है सर। तो जो जानकारी आपने मुझे दी है जो ग्रुप पर आई थी वो मैं शेयर कर देती हूँ, प्लस आपका जो दूसरा नंबर है जो आपने मुझे दिया है लोगों के लिए वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा सर कोई लिंक वगैरह भी है क्या जो लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो जिसको अप्लाई करना हो कोई लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? लिंक वगैरह नहीं है, नंबर ही है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लोकेशन मैं बता दूंगा, कहाँ से कहाँ आना है, सारी चीज मैं हैंडल करूंगा। अच्छा, कॉलिंग का टाइम सर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा?
पोलिंग का सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ठीक है सर, तो सारी जानकारी मैं लोगों तक पहुंचा देती हूँ। जो भी कैंडिडेट राजस्थान में काम करना चाहेंगे वो सर आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे सर। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, सर ने आपको ऑलमोस्ट पूरी जानकारी दी है, लेकिन अगर आप इस जानकारी को रीड आउट करना चाहते हैं तो ये सभी जानकारी मैंने आप सभी के लिए jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पोस्ट कर दी है। साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, प्लस कॉमेंट बॉक्स में भी मैंने सर का नंबर पिन कर दिया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन रीड आउट करना चाहते हैं, तो विजिट कीजिए www.jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट, रीड करके यहाँ पर अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आप सभी के लिए एक और नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आप सभी के लिए ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन लेकर के आती हूं। तो अभी तक अगर आपने उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो उस चैनल पर आप सभी के लिए आने वाली है। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।